नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। रिंकू यादव स्टोरी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो ये कहानी है, ये मैं आप सबको कुछ तथ्य रखने वाला हूँ जो बिहार अररिया जिला की अभी घटना हुई है और आरती और छोटू की लव स्टोरी के नाम से भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है। जो छोटू की हत्या हुई है और आरती किस प्रकार से छोटू के घर जाके रह रही है और अपने ही परिवार वालों के खिलाफ थाने में जाकर के FIR दर्ज करवाई है, ये सब विषय पर चर्चा करेंगे और ये सब विषय पर कुछ तथ्य रखूंगा जिसके जो आरती के खिलाफ भी हो सकता है या छोटू के परिवार वालों के खिलाफ भी हो सकता है या आरती के परिवार वालों के खिलाफ भी हो सकता है। तो जो भी हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आरती और छोटू कांड आप सबको पता होगा, बिहार का एक जिला है अररिया, वहीं घटित हुई थी ये घटना। तो आरती अपने प्रेमी छोटू के घर जाके रह रही है, छोटू की हत्या हो चुकी है और उसके हत्या का जो जिम्मेदार लोग हैं वो आरती के ही परिवार वाले हैं, उसके भाई भाभी माता पिता और उसके जीजा, यही लोग हैं। अब आरती जा करके छोटू के घर रह रही है और छोटू के परिवार वालों ने FIR दर्ज नहीं कराया है आरती के घर वालों के खिलाफ। FIR जो दर्ज हुई है यह आरती करवाई है अपने घर वालों के खिलाफ। अब यहाँ पर प्रश्न एक उठता है कि जिस परिवार वालों ने ये छोटू की हत्या की, उसी परिवार की बेटी को छोटू का परिवार ले जाकर अपने घर पर रखा है, उसको दवा इलाज जो भी है करवा रहा है और उसकी सुरक्षा कर रहा है। छोटू के परिवार वालों का कहना यह है इसको भी वो लोग मार देंगे। अब लेकिन सवाल यह उठता है, कुछ मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर मीडिया वाले हैं जो उलूल जुलूल की सवाल कर रहे हैं जा जाकर आरती से और छोटू के घर वालों से। उनसे सवाल करके कुछ फायदा नहीं होगा। ये जो जितने भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब मीडिया वाले हैं, अगर न्याय दिलाना है छोटू को या अगर आरती को या छोटू के घर वालों को, तो आप लोग को प्रशासन से सवाल करना चाहिए, ना कि जाकर दिन भर केवल एक फ़ोन ले लेना है और 400-500 का माइक खरीद लेना है और दिन भर जाकर इंटरव्यू करना है अपने व्यूवर्स और अपने सब्सक्राइब के चक्कर में। आपको अगर सच में चिंता है कि बिहार में ऐसी घटनाएं न घटें और तत्काल इस पर रोक लगे और जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, तो सवाल आपको प्रशासन से करना होगा, ना कि पीड़ित परिवार से। पीड़ित परिवार क्या करेगा? पीड़ित परिवार तो खुद भोग रहा है, वह क्या करेगा? वह क्या जाएगा अपराधियों को पकड़ने के लिए या उनको सजा देने के लिए? पीड़ित परिवार तो गुहारी कर सकता है प्रशासन से। तो सवाल तो प्रशासन से पूछना चाहिए आप लोगों को। आप लोग केवल जाकर के फोकट का क्वेश्चन करेंगे आरती से तो कहीं छोटू के पिता से तो कहीं छोटू के भाई से, केवल अपने फायदे के लिए, ना कि छोटू को आप लोग को या आरती को या छोटू के घर वालों को आप लोग को न्याय नहीं दिलाना है। आप लोग केवल अपने चक्कर में जाते हैं वहां पर। अगर आप लोग को सच में न्याय दिलाना है आरती को या छोटू को या छोटू के घर वालों को और बिहार कितना टेंशन है, तो आप थाना में जाइए, उस संबंधित थाना में जाइए, थाना अध्यक्ष होंगे, दरोगा होंगे, उनसे सवाल कीजिए क्या हुआ अभी तक और अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए। धीरे धीरे 15 से 16 दिन हो गया, अभी तक केवल 2 गिरफ्तारी हुई है और वो भी 2 जो गिरफ्तारी हुई है पुलिस वालों ने नहीं किया है, उनको गांव वालों ने पकड़कर पुलिस वालों के हवाले किया है। तो सवाल तो यहाँ पर प्रशासन से करना चाहिए, जो कि प्रशासन से कोई भी मीडिया वाला नहीं जाकर सवाल कर रहा है। सवाल केवल उजूल उल्टा पुल्टा सवाल जाकर के केवल आरती से कर रहा है कि आप किससे शादी कर रही हैं, तो आप रात को क्या करने उठकर गई थी। ये सब का जांच का विषय है। केवल आरती के बयान के आधार पर ही हम आरती के घर वालों को दोषी नहीं मान सकते हैं। हालांकि उसकी हत्या हुई है, अब किस कारण हुई है, उसको फोन करके रात को कौन बुलाया, छोटू का CDR निकाला जाए फोन का, उससे पता चलेगा लास्ट कॉल उसको कौन किया था, कितने समय तक बात हुई थी, कितने बजे कॉल किया गया था, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आरती के भाई का भी बयान है, उसके दादी का भी बयान है, मीडिया में चल रहा है,
कि इन दोनों को छोटू का भाई एक रूम में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। छोटू का भाई आरती का भाई खुद बयान दिया है कि इन दोनों को मैंने रूम में नग्न अवस्था में पकड़ा था। तो इसका भी सोल्यूशन है, मेडिकल जांच हो जाए आरती का, क्या वह पहले से सेक्सुअल एक्टिव थी, इसका भी जांच होना चाहिए, वो भी पता चल जाएगा। केवल बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है, जो भी होगा तथ्य अब अदालत केवल आरती के बयान के हिसाब से उन लोगों को सजा नहीं दे देगी जब तक सबूत नहीं होगा। अब उसको कॉल करके किसने बुलाया था, किस नंबर से उसको कॉल हुआ था, आरती यहाँ पर भी बात को घुमा रही है। यह बोल रही है कि मेरे फोन से ही भाभी ने कॉल किया था छोटू को आने के लिए। अब यहाँ पर फैक्ट है, अब पहले तो पता यह करना होगा कि क्या आरती के भाभी के पास उसका खुद का फोन नहीं था। अगर नहीं था तो आरती जो बयान दे रही है कि मेरे फोन से छोटू को कॉल हुआ था वो कितना सत्य है, अब इसकी भी जांच करनी पड़ेगी। उसके बाद आरती बोल रही है कि मैं 2 बजे रात को टॉयलेट के बहाने उठकर देखी, मतलब जब तुमको कुछ पता ही नहीं था कि छोटू आने वाला है कि जाने वाला है कि क्या करने वाला है, तो तुम किस बहाने से क्यों उठोगी? अगर तुमको टॉयलेट लगा है नॉर्मली, तुम टॉयलेट के लिए उठोगी, बाहर जाओगी, तो तुम बहाने से किस लिए उठी? ये बोल रही, हम उसको शाम से ही फोन कर रहे थे, मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा था, आरती बोल रही है छोटू को। तो तुमको कैसे पता कि छोटू यहाँ पर आने वाला है कि तुम बहाना करके उठकर जाके बाहर देखोगी? सवाल यहाँ पर आरती के ऊपर भी उठ रहा है। आरती अगर उसको मार रहे थे वो लोग, तो जिस साहस के साथ अब खड़ी है कि हम उसको न्याय दिलाएंगे और अपने भाई और अपने परिवार के खिलाफ हो गई है, अपने माँ बाप के खिलाफ हो गई, अगर उस टाइम भी इसी साहस के साथ अगर खड़ी हो गई होती, वहीं पर चिल्लाती, 100 नंबर में कॉल करती, फोन इसके हाथ में था, ये उसके घर वालों को फोन करके बुलाई है, थोड़ा से अगर बुद्धिमत्ता दिखाती, जितना बुद्धिमत्ता अभी दिखा रही है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, थोड़ा से अगर वहां पर भी बुद्धि दिखा देती और 100 नंबर पर कॉल कर देती तो पुलिस आ जाती, तो शायद छोटू की जान बच जाती। लेकिन उस समय ये नहीं की, उसके मामा के घर गई, उसके मामा को बोली, अब जांच का विषय उसका मामा क्यों लेट किया, या उसका मामा टाइम पर आया तो छोटू को बचाया क्यों नहीं, आरती क्या कर रही थी, जिस हिसाब से आरती इस समय जो माहौल बना रही है, जो साहस दिखा रही है, अगर ये साहस उस समय दिखाई हो तो शायद उसका जान बच जाता। तो बहुत सारा जांच का विषय है इसमें, केवल एक आरती के बयान के आधार पर किसी परिवार को दोषी ठहराना सही नहीं है। यहाँ पर तो ये भी हो सकता है कि खुद आरती भी हत्या में शामिल हो, आज विक्टिम कार्ड खेल रही है और छोटू के घर जाकर बैठी है, क्योंकि इसको अच्छी तरह पता है ये भी 18 क्रॉस है, अगर थोड़ा से भी इधर उधर हुआ, सबूत मिला, तो ये भी जेल जा सकती है, इसके ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो ये सब जांच का विषय है, केवल आरती के बयान के आधार पर। उसके घर वाले क्यों नहीं FIR किए छोटू के, केवल आरती FIR की है, उसके घर वाले अभी तक क्या कर रहे हैं? उसका बाप का बयान है छोटू के कि हम आरती हमको फोन की 4 बजे कि छोटू को लोग मार रहे हैं, आप आइए नहीं तो जान से मार देंगे। वो एक जगह बयान दे रहा है मीडिया में कि हमको आधा घंटा लेट हो गया जाने में, उसके बाद वो गया है तो अपने ससुराल जाकर बाइक रख के वहां से पैदल आया है, किसी का बेटा मारा जा रहा होगा तो उसको लेट होगा आधा घंटा, कि वो तत्काल वहां से भागेगा, रात का समय है, जब तुमको फोन आया है कि हमारे बेटे को लोग घर में बंद करके मार रहे हैं, आइए नहीं तो जान से मार देंगे, तो तुम आराम से उठोगे और आराम से जाओगे? तो ये सब भी जांच का विषय है, इसको अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए प्रशासन को। और वो सब अभी क्यों नहीं पकड़े गए, इसका सवाल आरती या आरती के या छोटू के घर वाले नहीं दे सकते, इसका सवाल का जवाब अगर कोई दे सकता है तो प्रशासन के लोग हैं, उनसे सवाल करना चाहिए। और TRP और मीडियागिरी करना बंद कीजिए, अगर मीडियागिरी या TRP करना है तो संबंधित थाने में जाइए, वहां पर अधिकारी होंगे, थाना अध्यक्ष होंगे, उनसे माइक लगा के क्वेश्चन कीजिए। अभी तक आप छोटू के हत्यारे क्यों नहीं पकड़े गए, 15-16 दिन हो गया, एक भी गिरफ्तारियां अभी पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, क्या कार्रवाई हुई है? तो ये सब क्वेश्चन पुलिस वाले इसका सवाल का जवाब देंगे, ना कि आरती और छोटू के घर वाले। तो ऐसे फालतू काम करना बंद कर दें। ऐसी भी और भी सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल रिंकू यादव स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।